जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो हम लोग अलग से वीडियो बना रहे हैं, ताकि जिस किसान को जिन किसानों को ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अगर देखना रहे तो वो देख पाए अल्टीमेटली। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ किसान भाई जो अपने जो मंडी के वीडियो बनते हैं, जैसे मान लो प्याज का बना, आलू का, लहसुन का बना, तो वो पूरी तरह से वीडियो ना देखते और उसमें कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है, वो देख ही नहीं पाते। तो अभी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। फिलहाल इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी फिलहाल 28 तारीख और 29 तारीख, यानी आज है आपकी 26 तारीख, 28 29 यानी गुरुवार और शुक्रवार के दिन मंडी यहाँ बंद रहेगी। जैसे कि मैंने जो व्यापारी भाई है उनसे भी बात करी है, उनसे भी मैंने पूछा है, और कहीं ना कहीं 28 29 को मंडी बंद है। तो अगर आप 28 और 29 को अगर आपका माल लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि माल लेके ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 28 29 को लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं मान लो 27 को आप शाम को लेके आते हैं, निकलते हैं, कल की बात बोल रहा हूँ, अगर कल आप माल लेके निकल, कल तो आप लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आज शाम को आप लेके निकलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब अगर कल 27 तारीख को आप अगर निकलेंगे या बहुत दूर से निकल रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि दो दिन माल यहीं पड़ा रहेगा, वो बिकेगा नहीं, और छुट्टी है 28-29 की। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद आ गया शनिवार, और फिर उसके बाद वापस आ गया संडे। अभी 2 तारीख का कुछ सुनने में आ रहा है कि कोई बोल रहा है छुट्टी, कोई बोल रहा नहीं है, तो ये भी पूरा क्लियर नहीं है। 2 तारीख का मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती आ रही है, तो उसका भी क्लियर नहीं हो पाया है, वो मैं आपसे बाद में क्लियर करूंगा। और फिलहाल अगर देखा जाए तो आज कहीं ना कहीं मार्केट ओवरऑल अपन अगर बात करें तो मार्केट ओवरऑल आज अच्छा खासा रहा था। मार्केट ये मान के चलो कि 24 रुपये तक भी प्याज हमको बिकते हुए सुनने में आया कि 24 रुपये तक भी कहीं ना कहीं माल बिका था, और 22 रुपये 23 रुपये तो लौट गए बहुत सारे, 20 रुपये भी अच्छा, 20 रुपये 21 रुपये भी कहीं ना कहीं माल गया है, कुछ माल जो दागी था वो भी थोड़ा ठीक ठाक गया है। कारण सीधा सा ये था कि मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कि अगर आवक कम होगी और मेंटेन रहेगी तो कहीं ना कहीं उसके माल में जो माल है उसके दाम बढ़ने की संभावना रहती है। तीसरी चीज़ ये है कि अभी एक और खबर आ रही है एक्सपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड, कि जो बांग्लादेश में जो एक्सपोर्ट हो रहा था, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी हुई थी, उसका सुनने में आया, अभी मैं पूरी बात नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी सिर्फ सुना है कि वो ख़त्म हो गई, क्या हो गई, फिलहाल अभी हम लोग उसका पता कर रहे हैं। अगर उससे भी अगर कहीं ना कहीं अगर ख़त्म होती है तो उसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा कि प्याज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और हो सकता है कि प्याज, हो सकता नहीं, फिर तो बढ़ना ही है जब तक कि महाराष्ट्र का प्याज नहीं आता, क्योंकि महाराष्ट्र का प्याज भी आने वाला, आप खुद भी ये चीज़ जानते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग जो छुट्टी की मैंने आपको बात बोल दी, दूसरी चीज़ एक्सपोर्ट ड्यूटी हटी की नहीं हटी, जब तक मेरे को कंफर्म नहीं होगा तब तक मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ। तो उसके लिए भी मैं होगा तो कल ही कंफर्म करवा लूँगा। मैंने एक दो व्यापारी से बात करी, बोल रहा हो गया, तो जब तक मेरे को कंफर्म नहीं है तब तक मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता हूँ। बाकी हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय बलराम।